साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। देश भर में आज धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में आज नमाज अदा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईदगाह पहुंचकर ईद की बधाई दी, लोगों से गले मिलकर उन्हें शांति और सौहार्द के इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चंदखुरी में 22 से 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा। 3 दिनों तक यहां सांस्कृतिक छटा बिखरेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश प्रदेश के नाम गिरामी कलाकार प्रस्तुति करेंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल अक्षय तृतीया त्योहार पर भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की मायका चंदखुरी में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान यहां बने पर्यटन कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। इस कैफे में सैलानी छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी और सुप्रीमो पर विधानसभा की सबसे वरिष्ठ महिला सांसद डॉक्टर रेणु जोगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सिविल लाइंस स्थित राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। हरिचंदन इसके पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में पदभार लेने के बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ जोगी पार्टी और के शीर्ष नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पहली मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी। प्रदेश में कोरोना बढ़ने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 5,344 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से 518 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 9.69% है। छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहे आरक्षण विधेयक विवाद के बाद अब मंत्री रविंद्र चौबे से इस्तीफे की मांग हो रही है। दरअसल आरक्षण बिल लौटाए जाने और कुछ वेबसाइट पर चर्चाओं के आधार पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक लौटाए जाने की बात कह दी थी। इसके बाद से मंत्री रविंद्र चौबे को गैर जिम्मेदार बताकर बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने आरक्षण विधेयक जैसे गंभीर विषय की गंभीरता को नजरअंदाज किया। जगदलपुर में विधायक ने मंदिर का लोकार्पण किया। माता गंगादई की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि नवनिर्माण मंदिर का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। और वहीं 90 दिनों तक चलने वाला बाली मेला के उच्च कार्य हेतु 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अंबिकापुर में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे से लौट रहे थे। इस दौरान लंबगांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी, जिसे देख मंत्री का काफिला रुका और वहीं मंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल काफिले में शामिल पुलिस के वाहन में दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी तो वहीं एक गंभीर युवक को हालत अस्पताल के नजदीक में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें जहां बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
जगदलपुर में विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इफ्तार दावत दी। उन्होंने नमाज अदा करने आए मुस्लिम धर्मावलंबियों को गले लगाकर ईद की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही मस्जिद परिसर के पास अपने सहयोगियों के साथ विधायक जैन पहुंचे। उन्होंने रोजदारों के फलाहार, शीतल पेय आदि की व्यवस्था की। इनके तरफ से आज इफ्तार था और रोजे साथ दारों के साथ बैठ के उन्होंने भी इफ्तार किया और इसका अजरा था फरमाए, इनको ईमान की दौलत अता फरमाए और इनको बेहतरीन इसको ज़्यादा खैर अता फरमाए, बेहतरीन इसका फिला अता फरमाए और ये मोहब्बत बना रहे हम सबसे और इसके लिए यही दुआ करता हूँ मैं सबके लिए और मैं देख लूँगी हमारे विधायक महोदय से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कौम के तौर पर एक तरफ मुसलमान कौन ठीक है सलाम। इस इफ्तार दावत में शामिल होने का मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और समाज के सभी सदस्यों का कि दुआ आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं भी अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, हम सब स्वस्थ रहें और हमारे जगदलपुर को, हमारे बस्तर को, हमारे छत्तीसगढ़ को लगातार हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको जगदलपुर में जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा रमजान शरीफ के मुबारक महीने में शहर के विभिन्न मस्जिदों में जाकर रोजदारों व मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। मुस्लिम कैलेंडर का नवा महीना रमजान शुरू हो जाता है। इस महीने में इस्लाम को मानने वाले सभी लोग रोजे रखते हैं। 30 दिन के रोजे पूरे होने के बाद सौहार्द का पर्व ईद मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रमजान महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पैगंबर साहब ने भी रोजे रखे थे। जगदलपुर में कोविड के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए बैठक की गई। बैठक में कलेक्ट्रेट चंदन कुमार ने कोरोना नियंत्रण के एवं बचाव की सभी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में हुई कोविड की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था, कोविड के लिए डेडिकेटेड चिकित्सक स्टाफ तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड टीम, गंभीर मरीजों के लिए स्थानांतरित इलाज की सुविधाओं पर चर्चा, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जगदलपुर में सचिव संघ द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर जारी हड़ताल को समर्थन देने का बकावंड ब्लॉक पहुंचे मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस के नेता नवनीत चांद व यूथ जिलाध्यक्ष नीलांबर सेठिया भी पहुंचे। इसके साथ ही कर्मचारियों और जनता के साथ वादा खिलाफी की बात कही। बताते चले कि मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस के सचिव संघ नियमितीकरण की मांग का समर्थन का ऐलान किया। नवनीत चांद नीलांबर सेठिया ने कहा, ऐसी झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। जगदलपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं प्रशासन से धर्मांतरण पर रोक लगाने और धन वापसी की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम सभा ने धर्मांतरण के अलावा कई विषयों में प्रस्ताव लाया। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरित किया जाता है और सभी यही चाहते हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं वे सभी अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं, नहीं तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन करने से आपसी भाईचारा भी खराब हो रहा है, भाई बहन बेटी सब अलग हो रहे हैं, ऐसे में सामाजिक सांस्कृतिक में भी बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीण वासियों ने घोषणा की है कि धर्म परिवर्तन लोगों ने धर्म वापसी नहीं की तो ग्राम स्तर पर उनका बहिष्कार किया जाएगा। और आजाद भारत के ये 30-40 वर्ष के अंदर जो ईसाई धर्मांतरण और अन्य धर्मांतरण के कारण गांव-गांव दो हिस्से में बढ़ रहा है, जिसके चलते विवाद बढ़ रहा है। पिछले दिनों थोकापल ब्लॉक के भेजरीपदर में जो घटनाएं हुआ, गांव वाले अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार जो दफन कपने के लिए प्रशासन से मांग किए एक महिला के मृत्यु होने पर, लेकिन ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा आजू बाजू पूरे क्षेत्र के लोगों को एकत्रित किया गया और
गांव के सरपंच पति जो कि धर्मांतरित ईसाई परिवार का है उनके द्वारा पत्थरबाजी किया गया, जिसके चलते माहौल खराब हुआ और गांव वाले को बहुत सारे लोगों को चोटें आई, जिसमें पुजारी पटेल गायता लोगों को हुआ। और दूसरा है इंग्राजीन भरवा आया कि नेग नियम के विपरीत 19/5, 19/6, 25/2 ये पे के तहत उल्लंघन करने पर ग्राम सभा उचित कार्रवाई कर दंडित करके गांव की सीमा से बाहर किया जाएगा, ये ऐसा इनका मांग है। और इसके अलावा हम चाहेंगे, अपना भाई बंधु है इसलिए हम अपने अपने मर्जी से आए हिंदुत्व में, जो छोड़ के गए अपना बस्तर का परंपरा रीति रिवाज को छोड़ के, तो आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हम अपने गांव से बाहर कर देंगे। ये हमारे गांव के मुखिया यानी कि पटेल पटेल और पुजारी कोतवाल। जगदलपुर में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने संभागीय बैठक की, आगामी रणनीतिक योजना पर विचार भी किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की संभागीय बैठक का आयोजन आज भाजपा जिला कार्यालय में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू उपस्थित थे। संभागीय उसरे बैठक में आगामी 3 माह की रणनीतिक कार्ययोजना पर विचार किया गया। सभी सहकारी समितियों में जन चौपाल लगाने वाले एवं गांव से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों से चर्चा करने में किसान मोर्चा जुटेगा। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात व पर्यटन स्थल इलाके के ग्राम छापर भानपुरी के समीप क्रेशर खदान मालिक की लापरवाही से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिसे लेकर इलाके में शोक और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने ग्राम सभा में एकजुट होकर निर्णय लिया कि क्रेशर खदान के मालिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर संचालित क्रेशर खदान को बंद करने की भी मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ सरपंच कोटवार व ग्राम पटेल मौजूद रहे। कश्यप ग्राम पंचायत छापर वानपुरी दो से सरपंच हूँ। पिछले कई सालों से लगभग 21-22-23 से समस्या को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब से के सामने सभी ग्रामीण समस्या को लेकर उनसे अपनी शिकायत उसमें SDM साहब के द्वारा जांच कराया गया और हमारी मांग थी कि ब्लास्टिंग कम किया जाए और खदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल या फेंसिंग कराया जाए। तो इस बीच मेरा नाम लालचंद कश्यप है, मैं ग्राम पंचायत छापर तोकापाल ब्लॉक है, तहसील तोकापाल है और बस्तर जिला है। ये हमारे गांव में नागबंसी खदान में हमारे पारा के बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बोर ब्लास्टिंग करते हैं, बोरिंग जो मतलब जो पानी निकलता है नीचे स्रोत चला जाता है और इस गांव के थ्रू दूसरे गांव भी है। साकर ग्राम पंचायत छापर भानपुरी में संचालित बली नागबंसी की क्रेशर खदान में बड़ा लापरवाही के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान आज गई है। इससे पूर्व हम लोग लगातार जिला प्रशासन का अवगत कराया गया था, जिसमें जाली लगाने की बात हुई थी, जिसमें आज भी जिला प्रशासन अनसुया की है हमारी बातों को। तो आज सूरजपुर में निजी नर्सिंग होम में मां और नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बता दें कि जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर सहित 2 स्टाफ नर्सों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं जांच समिति की रिपोर्ट में जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर सहित 2 नर्स दोषी पाए गए। बता दें कि डॉक्टर रश्मि कुमार सहित 2 नर्सों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सचिव स्वास्थ्य कल्याण विभाग रायपुर को पत्र लिखा गया। रश्मि नर्सिंग होम के अन्य 10 स्टाफ पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
पूरा मामला बताते चले आपको कि 5 अप्रैल को एक महिला और उसके नवजात की प्रसव के दौरान रश्मि नर्सिंग होम में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजन लगातार कार्यवाही की मांग कर रहे थे। सक्ती में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने सटोरियों और भूमाफियाओं के संरक्षण देने के आरोप में राज्य सरकार और पुलिस विभाग पर तीखा प्रहार किया है। ओपी चौधरी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो अधिकारी पैसा देता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि पुलिस वसूली करने के लिए सटोरियों और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि सक्ती में धड़ल्ले से सट्टा का कारोबार चल रहा है। आईटी की कार्यवाही के दौरान सख्ती से सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आए हैं, जिसे जिले की पुलिस आज तक छू भी नहीं पाई। आईटी के अधिकारियों ने इन सभी सटोरियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज रिपोर्ट सौंपी है, मगर महीनों बाद भी उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार और पुलिस विभाग पर हमला बोल रही है। कर्मचारी हैं, सबको ट्रांसफर उद्योग का शिकार कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। जो व्यक्ति मंथली रिचार्ज नहीं कराता और टॉप अप नहीं कराता, इनको रेगुलर पैसा नहीं पहुंचाता, कांग्रेस के नेता उसका ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए वो सटोरिया को संरक्षण देकर, शराब, अवैध शराब को संरक्षण देकर हर तरह से पैसे की वसूली करते हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि सटोरियों पर, भूमाफियाओं पर पुलिस कोई केस रजिस्टर नहीं कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार का विभाग स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिख रहा है। कई मामलों में आप देखे होंगे कि नगर पालिका के लोग चिट्ठी लिखते हैं, तब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।